का वो द्वय जो कि सबसे पवित्र माना जाता है, कृष्ण जी के पीछे दूध पीती हुई, बस बस आज 25 जून 2023 गुप्त नवरात्रि चल रही है। इसमें मौसम थोड़ा काफ़ी भारी। श्री चक्र तीर्थ के उस पवित्र स्थल में फिर से एक बार पहुंचते हुए, जो कि पौराणिक मान्यताओं में, पौराणिक ग्रंथों में, हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत सबसे पवित्र माना जाता है, माँ पार्वती ब्रह्मा जी के दर्शन, गौघाट पितृकर्म करने के बाद आपको यहाँ पिंडों का विसर्जन करना और उसके बाद गोदान। एक बार फिर से ये ब्रह्मा विष्णु महेश श्री सत्यनारायण व्रत कथा स्थल और ये भूतनाथेश्वर महादेव मंदिर के शिखर के दर्शन, ये परिक्रमा श्री चक्र तीर्थ के आज के दर्शन। श्री राम जय राम जय जय राम। दो मिनट में आप आ सकते हैं तो आइए, दो मिनट से ज़्यादा नहीं है समय। डुबकी लगा के अगर लगानी हो तो लगा सकते हैं, चलिए बाद में लगा, दिन में आके लगा लीजिएगा। ये देखिए बाहर निकलते हुए ये वाल्का अहिल्या बाई होलकर ट्रस्ट द्वारा संचालित, ये एक बहुत ही पवित्र वट वृक्ष, ये वो वट वृक्ष जो कि अपने अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन बाबा की हेतु की कृपा और महाकाल की प्रेरणा के फलस्वरूप इस स्थान का दोबारा असेसमेंट हुआ, देखा गया। ये बहुत प्राचीन वट वृक्ष, इसलिए अरे उनको तिराहा बहुत प्रमुख, चारों तरफ आप कहीं भी जा सकते हैं इस एरिया से, इस जगह से। ये हमारे श्री राम साधना आरण्य को जाता हुआ रास्ता, अंदर 100 मीटर नहीं है वैसे, लेकिन लिखा है 100 मीटर श्री रंगनाथ मंदिर। ये व्यास गद्दी को जाता हुआ रास्ता, सीधे दाहिनी तरफ हनुमानगढ़ी और उधर ऊपर आ, हनुमानगढ़ी से नीचे उतर जाएंगे तो सीधे आदि गंगा माँ गोमती नदी, श्री रामेश्वर हनुमान मंदिर। मौसम सुहावना, हनुमानगढ़ी जाता रास्ता बाएं सीधे हाईवे की तरफ बाहर, सामने सीधे व्यास गद्दी क्षेत्र में दाखिल होते हुए बाईं तरफ मनु शत्रुपा की प्राकट्य स्थली तपस्थली, दाहिनी तरफ व्यास गद्दी मंदिर और 5099 वर्ष पुराना वट वृक्ष। अरे अभी उधर जाएंगे तब पता लगेगा ना, चलो ये व्यास गद्दी मंदिर।